दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और हमारे इस खास पेशकश में नीरज भाई मौजूद हैं, जो बताएंगे आज के मैच के बारे में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी है और T20 फॉर्मेट के नए बादशाह के तौर पर क्या उभर के सामने आने वाले हैं रोहित शर्मा। विराट कोहली कप्तानी देखी, धोनी की भी कप्तानी देखी, लेकिन अब बारी है रोहित शर्मा की। कई सीनियर खिलाड़ी रेस्ट पर है और नए युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। कुछ ही देर में दोस्तों मैच शुरू होगा, लेकिन मैच से पहले जानते हैं कि क्या प्रिडिक्शन 11 हो सकती है, टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है और कल राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा पिच में से कुछ खंगाल कर गए, उन्हें क्या मिला। तो नीरज भाई हमारे बताएंगे कि क्या कुछ यहां पर राहुल द्रविड़ के हाथ लगा पिच से ये लगा होगा। इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया में हमेशा ही स्विंग जो होता है स्पिन के लिए हमेशा ही कारगर साबित होती, तो स्पिन जरूर पिच पे दिखेगा, प्लस बैटिंग पिच भी हमें दिखेगी। ग्राउंड छोटे होते हैं इंडिया के मैदानों में, तो छक्के चौके भी यहाँ पे इस मैच में बहुत लगने वाले हैं और बहुत मजा इस मैच में देखने वाली। बात ये है कि एक तो स्क्वाड हमें बहुत नया मिलेगा, यहाँ से फ्रेश स्क्वाड हमें देखने को मिलेगा, नए चेहरे हमें इस मैच में दिखेंगे आज अभी जो मैच स्टार्ट होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि हाँ, हमें एक नया कोच, नया कप्तान, नई स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब जो विराट कोहली जो स्ट्रेटेजी अपनाते शायद वो इस हमें दोबारा देखने को ना मिले। विराट कोहली T20 मैच को मिस कर रहे हैं, उससे प्लस सीनियर खिलाड़ी जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सारे कह सकते हार्दिक पांडे को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया, तो मतलब इन सभी और उनके भाई जो है कृणाल पांडे, उनको स्क्वाड में रखा ही नहीं गया था। और तो अब सारे नए प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे इस मैच में, प्लस नए चेहरे देखने को मिलेंगे, नई जोड़ी हमको देखने को मिलेगी। क्या ओपनिंग जोड़ी में राहुल का या वही कॉम्बिनेशन चला जाता है, या फिर कोई नया कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि चार पांच तो ऐसे नए ओपनर यहाँ पे शामिल आ चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन हो चुके हैं हमारे पास आ चुके हैं। अब बात करें KL राहुल भी है, KL राहुल भी जो है, उसके बाद अब श्रेयस अय्यर भी आ चुके हैं, वेंकटेश अय्यर है जो ऑलराउंडर टीम में शामिल करेंगे, तो क्या उनको ओपनिंग में खिलाया जाएगा, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की साइड से वो ओपनिंग खेलते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी नंबर अब पांचवें छठे नंबर पे बनती है एज ऑलराउंडर के रूप में, अगर गेंदबाजी उनसे कराई जाती है तो। लेकिन अगर उनके उसी फॉर्म को देखा जाए तो उनसे ओपनिंग भी कराई जा सकती है। बिल्कुल, तो आज का मैच दोस्तों बहुत खास होने वाला है, ना सिर्फ टीम इंडिया बल्कि न्यूजीलैंड भी बदलावों के साथ उतरेगी, क्योंकि इसके बाद जो टेस्ट सीरीज होनी है वो दोनों टेस्ट सीरीज के जो हार जीत के पॉइंट्स होने वाले हैं वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो अंक तालिका होगा उसमें जुड़ेंगे। इसी की वजह से कैन विलियमसन ने इस T20 सीरीज से रेस्ट लेने का फैसला किया है, ताकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खुद को तैयार कर सके। T20 को छोड़ा है और टीम सऊदी के हाथ में विराट कोहली पहला टेस्ट मिस करेंगे। लेकिन बात करें यहां पर रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा के सामने अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि जयपुर की पिच है, इससे पहले इस पिच पर T20 नहीं खेला गया। भले ही हम न्यूजीलैंड को देख रहे हैं कि वो इंडिया में आके यहाँ पर अपना टूर कर रही है, लेकिन जो पिच चुनी गई है इस बार, एक तो जयपुर की, रांची की, और रही बात ईडन गार्डन पर बहुत सारे इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं, लेकिन जयपुर और रांची की पिच से क्या मिलता है ये टीम इंडिया के लिए खुद नया एक्सपीरियंस होने वाला है। इससे पहले इस पिच पर वनडे मैचेस हुए हैं और वनडे मैचेस में टीम इंडिया को बढ़त मिली है, लेकिन आज बात करें तो ड्यू फैक्टर और साथ ही साथ भारत देश में पॉल्यूशन भी काफी है, तो देखा जाए उसको लेकर भी बहुत सारी अपडेट। KL राहुल ने भी इस पर अपना बयान दिया था, न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ी भी इस बात को लेकर घबराए हुए थे, क्योंकि पहले तो कोविड का खतरा था भारत देश में, बड़ी तेजी से फैला था, लेकिन अब पॉल्यूशन का भी थोड़ा बहुत खतरा है, जिसकी वजह से ड्यू फैक्टर भी यहाँ पर रात के समय बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ी समस्या दोनों टीमों को रहेगी। और अब यहाँ पर टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो बताइए। टॉस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले इस मैच, जिसे हमने देखा था कि दुबई और शारजा और अबू धाबी में टॉस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ करता था दुबई में खास तौर पे, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे रन चेज भी होता है, डिफेंड भी किए जाते हैं, तो मुझे लगता है जहां तक ग्राउंड छोटा होने के नाते प्लस स्पिन को यहाँ पे फायदा मिलेगा। न्यूजीलैंड के पास भी अच्छी खासी स्पिन, अच्छी ट्रैक उनके पास, सेंटर है उनके पास, सोडी है, तो अच्छा खासा स्पिन ट्रैक उनके पास भी है, प्लस आप गेंदबाजी को यहाँ पे कैप्टनसी दी गई है टीम सऊदी को, यहाँ पे एज ए प्रॉपर गेंदबाज है उनको कैप्टनसी दी गई, न्यूजीलैंड की टीम की अच्छी कैप्टनसी करते हैं, इससे पहले भी करी है, तो कड़ाकेदार मैच होने वाला आज का भी, जो अभी स्टार्ट होगा 6:30 बजे से शायद फोर्थ अंपायर, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा लाइव मैच 7 बजे से। ये थोड़ा टाइमिंग में भी चेंजेस देखने को मिला है, लेकिन टॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है इस मैच में, और ना ही इस पर ज्यादा डिपेंड होने वाली इंडिया की टीम, नई टीम है, जोश से भरी हुई है, बिल्कुल गर्म खून है भाई, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिली। गेंदबाजी में भी आज बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, हमने गेंदबाजी में बात नहीं करी है, आवेश खान, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, इन सबको यहाँ पे मौका दिया गया, खासतौर पर हर्षल पटेल और आवेश खान को, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करी है T20 मैचों में, शायद वो भी अगर टीम के स्क्वाड में लिए जाते हैं तो उनका भी शायद ये T20 मैचेस कम ही खेले उन्होंने अभी तक, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने टेस्ट में उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया, ऑस्ट्रेलिया की बात करें वनडे में भी करा, लेकिन अब देखे तो पिछले कुछ जो T20 मैचेस रहे वो टीम इंडिया बहुत बदलावों के साथ खेलती नजर आई, लेकिन टीम इंडिया को अब यहाँ से चाहिए कोई प्रॉपर टीम, प्रॉपर प्लेइंग 11 जो 2022 का
निशाना साध कर बैठी हो, चाहे वो ओपनिंग की बात करे, चाहे वो मिडिल ऑर्डर की बात करे, चाहे तेज गेंदबाजी हो, चाहे स्पिन गेंदबाजी हो, हर किसी को अपना काम इतना बखूबी से करना होगा कि बाकी सबको भूल जाए और उन्हीं 11 खिलाड़ियों पर पूरी तरीके से फोकस करे टीम, चाहे वो ओपनिंग जोड़ी में दोस्तों रोहित राहुल क्यों ना हो। मिडिल ऑर्डर में क्या लगता है कि एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की जरूरत है अभी? लेफ्ट हैंडर गेंदबाज और बल्लेबाज, मुझे लगता है गेंदबाज की जरूरत है। गेंदबाज भले ही हमारे, क्यों जयदेव उनादकट को यहाँ पे अगर स्क्वाड में शामिल नहीं करा गया टेस्ट के, तो उन्होंने जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया था और फिर जब वहां पर जाके माफी भी मांगी थी, मतलब एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज तो टीम में शामिल होना ही चाहिए। भले नहीं है इंडिया की टीम में, इससे पहले भी नहीं था, विराट कोहली के कैप्टनशिप में मैंने भी कोई ऐसा लेफ्ट हैंड गेंदबाज देखा नहीं है। बिल्कुल रोहित धोनी कैप्टनशिप में जरूर देखा करते थे लेफ्ट हैंड गेंदबाज, लेकिन विराट कोहली कैप्टनशिप में देखने को नहीं मिला। प्लस रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में हमें कोई लेफ्ट हैंड गेंदबाज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने लेफ्ट हैंड बैट्समैन की बात करी है तो जरूर ईशान किशन, ऋषभ पंत है हमारे पास, वेंकटेश अय्यर है हमारे पास, गायकवाड़ राइट हैंड बैट्समैन है, तो हमारे पास कह सकते हैं कि तीन ऐसे अभी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं जो कुछ कमाल कर सकते हैं, ऑलराउंडर है प्लस दो बल्लेबाज है। तो क्या इनको टीम में शामिल करा जाता है या फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा जाता है, या फिर जिस तरीके से अभी हमने प्लेइंग देखी है कि ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं वन डाउन पे, रोहित केएल की ओपनिंग चल रही है, श्रेयस अय्यर यहाँ पे खेल रहे हैं और सूर्य कुमार यादव को चौथे पे रखा जा रहा है, पांचवे पे आए जा रहे हैं वेंकटेश अय्यर, छठे पे ऋषभ पंत, ऐसा कुछ चल रहा है, फिर एक अश्विन को खिलाया जा रहा है सातवें, फिर तीन हमारे पास फ्रंट लाइन गेंदबाज हमारे पास आ चुके हैं जी। तो अब बनता है कि बनता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पर चर्चाओं में खिलाड़ी रहेगा वो रहेगा वेंकटेश अय्यर, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो कमी है, बीते कुछ मैचों से टीम इंडिया को खेल ये गेंदबाजी कर नहीं पा रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में मौका दिया गया उस मौके को नहीं भुना पाए, प्लस कॉन्ट्रोवर्सीज में भी काफी फंसते नजर आते हैं, तो मतलब हार्दिक पांड्या को अब यहाँ पर अगर भूलना है तो वेंकटेश अय्यर को यहाँ से चलना होगा। अगर वेंकटेश अय्यर चल गए तो ये तो कंफर्म है कि हार्दिक पांड्या की जगह वो लेते नजर आएंगे। भले ही हार्दिक पांड्या तेज गति से थोड़ी गेंदबाजी करते थे और विदेशी पिच पर भी उन्होंने विकेटें चटकाई हैं और बल्ले से भी कमाल दिखाया, चाहे वो 2017 का मैच पाकिस्तान के खिलाफ क्यों ना हो, अकेले हार्दिक पांड्या खड़े थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर के अंदर वो मादा है, हमने इस बार आईपीएल में देख लिया था। लेकिन आज की बात करें मैच की दोस्तों, तो न्यूजीलैंड की बात कर ली जाए कि टीम सऊदी कप्तानी कर रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा लॉस तो ये है केन विलियमसन, इस तरीके से फाइनल मैच में शानदार पारी खेली थी, मतलब अकेले दम पर टीम को उतने बड़े स्कोर तक ले गए, और मुझे जहां तक लगता है अगर इंडिया में खेलते तो इंडिया को वो अकेले हराने का मादा रखते, क्योंकि इंडिया की नई टीम आएगी सामने और उनके पास एक्सपीरियंस है, प्लस गेंदबाज भी उनके पास एक्सपीरियंस है, ट्रेंट बोल्ट टीम सऊदी मिचेल सैंडर, सबको पता है इंडिया किस तरीके से खेलती है, क्या उनकी कमजोरी रही है। रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के पक्ष में जाती, चाहे वो आईसीसी के बड़े इवेंट्स हो, चाहे वो घरेलू क्रिकेट क्यों ना हो, सब में इंडिया को मात दी है न्यूजीलैंड की टीम ने। एक मात्र ऐसी टीम है जो इंडिया में इंडिया को T20 मैचों में भी हरा के गई है, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि 10 T20 मैचेज इंडिया की जो एक लगातार जीत की स्ट्रिक थी उनको भी तोड़ा था न्यूजीलैंड की टीम ने, और जिस तरीके से वर्ल्ड कप में हमेशा बाहर करती हुई नजर आई है, प्लस जिस तरीके से उनका परफॉर्म सामने आया, जिस तरीके से फाइनल तक पहुंची न्यूजीलैंड की टीम, लाजवाब है, फॉर्म बहुत बेहतरीन है, और मुझे लग रहा है कि इस बार कड़ाके की फाइट होने वाली है। मैच भले ही एक्स्ट्रा बेनिफिट भारत को मिलने वाला है, मैच भारत में हो रहा है, प्लस जयपुर में हो रहा है जहां स्प्रिंग ट्रैक है, तो भले ही ये सब भारत के पक्ष में जाएगा, क्राउड भी भारत के पक्ष में जाएगा, लेकिन मैच बैलेंस नजर आ रहा है, दोनों की टीमें बैलेंस नजर आ रही, थोड़ा सा केन विलियमसन मैच को नहीं खेल रहा, लेकिन उनकी जगह पे अच्छा प्लेयर रिप्लेसमेंट उनको करेगा। तो मार्च के बाद से एक बार फिर से वापसी हो चुकी भारतीय मैदानों पर क्रिकेट खेल की, आज खचाखच मैदान भरा होगा और मुकाबला आप मिस ना करिए, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार पर आप लाइव देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज के खास प्रोग्राम कंफ्यूजन के साथ, इस प्रोग्राम का अंत करते हैं, बाकी कुछ ही क्षणों में बस मैच शुरू होने वाला, उसका लुत्फ उठाइए। बाकी अगर आपको प्लेइंग 11 पता है तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं, इंडिया या न्यूजीलैंड कौन जीतने वाला कॉमेंट करके जब बताएगा। धन्यवाद दोस्तों।